हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएँ लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएँ लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ये 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना, टोटल 3 नंबर का। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएँ क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं उन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएँ पूछी गई हैं। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे? तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो पहले दोस्तों आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। सन 1901 में इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा थोड़े समय बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक का कार्य किया। सन 1908 में ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में बुलाए गए। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए और बापू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से लिखना है। दोस्तों, हम जीवन परिचय में लेखक की जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इसने इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इसने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, इसकी मृत्यु की तिथि, ये सारी बातें हम जीवन परिचय में लिखते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लेखक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब के बारे में हम दोस्तों जीवन परिचय में भी लिखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में भी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जो भी कार्य किए थे उनके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं पर कि आप क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी।
उनमें से मैं दोस्तों आपको कुछ रचनाओं के नाम लिखवा देता हूँ। मित्रता, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं ये रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। दोस्तों आपको क्लास टेंथ हिंदी के बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है, या मैंने 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखवाए हैं ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद हो सके और जौन सी रचना आपको अच्छे से याद हो जाए उस रचना का नाम आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिख सके। इसलिए मैंने 3-4 रचनाओं के नाम लिखवाए हैं। आपको केवल क्लास टेंथ हिंदी के बोर्ड एग्जाम में एक ही रचना का नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखें तो एक बात का सदैव ध्यान रखना कि लेखक के जीवन परिचय में भी या उनकी रचनाओं में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको वो काले पेन से लिखनी है। जैसे दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में, तो मैंने दोस्तों काले पेन से लिखा है। कौन से ज़िले में हुआ था, काले पेन से लिखा। कौन से स्थान पर हुआ था, मतलब गांव में हुआ था, वो काले पेन से लिखा। इनके पिता का नाम मैंने काले पेन से लिखा है। इन्होंने 10वीं की परीक्षा कौन सी सन को उत्तीर्ण की थी, वो मैंने दोस्तों काले पेन से लिखा है। और दोस्तों देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो मृत्यु की तिथि, ये भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखी है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं किसी भी लेखक की या कवि की, वो बातें आपको काले पेन से लिखनी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इससे होगा क्या, तो दोस्तों इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी एग्जामिनर आपकी काफ़ी चेक करेगा और उसे लेखक की जन्मतिथि लिखी हुई काले पेन से साफ साफ दिख जाएगी बिना पढ़े कि इस बच्चे ने जन्मतिथि यहाँ लिखी है, पिता का नाम यहाँ लिखा है, मृत्यु की तिथि यहाँ लिखी है, तो दोस्तों उसे काफ़ी चेक करने में आसानी होगी। जब उसे काफ़ी चेक करने में आसानी होगी तो हो सकता है वो पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे दे। इसलिए दोस्तों जब भी आप लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखें तो महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों आप काले पेन से लिखें, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।